आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पे। यदि आप 66 बीपीएससी का मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। आप सभी के अंदर जो परीक्षा की अंतिम घड़ी जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, एक स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक दबाव आप सभी पे आ रहा है, लेकिन आपको अंदर से सोचना है कि मुझे पूरा अनुमंडल का खुद नेतृत्व अपने हाथ में लेना है। मैं कोई साधारण पद पे नहीं रहूंगा, मेरे अंदर में सारे हम जैसा चाहेंगे अनुमंडल चलेगा। इतने बड़े जो अधिकारी बनने जा रहे हैं, फिर हेजिटेशन किस बात का? एकदम मिजाज बुलंद कीजिए कि जब हम पीटी पास किए हैं तो मेंस भी पास करेंगे, रिकॉर्ड नंबर से पास करेंगे और बहुत शानदार हम दें। अपना द बेस्ट करने का प्रयास आपको कुछ घंटों में करना। आपके लिए जो परीक्षा का शेड्यूल है, इस शेड्यूल में आप अगर अपने आप को संभालते हैं तो आम से आप खास हो जाए। मैं सभी पहलुओं पर थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा, जरूर आप ध्यान देंगे। 29 तारीख को आपका परीक्षा प्रारंभ है और 29 तारीख को दोनों ही सेटिंग में परीक्षा है, 10 से हिंदी। ये सामान्य हिंदी में सभी बच्चे को केवल 100 में 30 अंक कम से कम लाना है। ज्यादा भी लाएंगे तो आपको जुटेगा नहीं और इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। एक बार परीक्षा में शामिल होने से पहले निबंध जरूर लिख लीजिए, चाहे वो प्रदूषण से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो, भ्रष्टाचार से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, दो चार विषय पर आप निबंध अभ्यास कर लें। 500 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है और 500 शब्द में अगर आप निबंध बढ़िया से लिख देते हैं तो केवल निबंध ही 30 अंक के होते हैं, निबंध ही केवल 30 अंक के होते हैं। और इसके बाद संक्षेपण है, संक्षेपण आप सभी बच्चे जानते हैं, पूरी बात को पढ़ के एक बढ़िया शीर्षक देना है, उसका एक तिहाई शब्द पूरे गिनने के बाद करना है और उसके निचोड़ को लिख देना है। संक्षेपण केवल आप लिखेंगे तो 15 अंक हो जाएंगे, बाकी आप समास 10 अंक तक का हो सकता है, मुहावरा, अनेक शब्दों का एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब आप एक नजर देख लें तो बस हिंदी में 30 की कोई चिंता आपको नहीं, आराम से आपको 30 प्लस ही नंबर आएंगे, तो इसका टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। एक नजर हल्का देखे रहिए। मेन आपके पास सबसे बड़ी बात है कि इस बार गैप नहीं, सभी बच्चे का एक ही साथ एक जैसा परीक्षा है, गैपिंग नहीं है। 2 से 5 आपको उसी दिन सामान्य अध्ययन जीएस फर्स्ट पेपर के आपके एग्जामिनेशन हो। जीएस फर्स्ट पेपर में आपको सबसे पहले जो बात इंपॉर्टेंट है ध्यान देना है, उस बात को समझिए। इसमें आपको 3 विषय हैं, आप जानते हो हिस्ट्री इसमें सबसे कम भार है, कारण क्वेश्चन भी आपको अधिक दिया रहता है। हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन पूछता है, 3 क्वेश्चन ही आपको बनाना है। दूसरा नंबर इसमें करंट अफेयर, इसमें 5 क्वेश्चन आपको पूछता है, 3 क्वेश्चन बनाना है। और तीसरा नंबर स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी है, सांख्यिकी में आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन बनाना है। यानी आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो समझे, 3 घंटे के समय अंतराल में आपको 8 प्रश्नों को हल करना होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक बात आपको समझना है, जिस समय आप हिस्ट्री बना रहे हैं तो ऐसा नहीं करें कि 2 क्वेश्चन हिस्ट्री फिर वहां स्टैट बना दिए फिर करंट बनाए। जिस सीरीज को बना रहे हैं उसके सेट को पूरा कंप्लीट कीजिए। खंडका में अगर इतिहास है तो खंडका के 3 प्रश्न पहले आराम से बना लीजिए। जीएस के प्रश्नों को 250 शब्दों में ही केवल लिखना होता है, आप 2 पेज तक लगभग लिख रहे हैं तो काफी है, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। बाकी कौन कौन सिलेक्टेड जोन है आपको सभी चीज किया हुआ है उस पर अब एकदम रिलैक्स होइए। अब अंतिम समय में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं वो नहीं, पढ़ाई अनंत है, जो हुआ है बस उस पर अपने मन को तैयार कीजिए कि ताजा प्रश्न भी भेंट होगा तो हमारे कलम उस पर कुछ चल सके। ताजा प्रश्न भी भेंट हुआ तो मुस्कुराइए, उस सबके लिए है, केवल आपके लिए नहीं। और आप अपना चिंतन विकसित कीजिए, उस पर जो आप प्रेजेंट ऑफ माइंड रखेंगे
वहां नर्वस जो नहीं करेंगे उन बच्चों का शानदार रिजल्ट आए। यह जो 2 से 5 आपका समय है, इस जीवन का सबसे अनमोल समय, यह 3 घंटा का मतलब 3 घंटा आप पूरे पूरे एकदम देंगे, अपना सबसे बेस्ट करने की तैयारी यहां पे करें। फिर पुनः 29 के बाद 30 तारीख को ही 10 से 1 एक ही सिटिंग एग्जाम है, GS पेपर 2। जीएस पेपर 2 में मेन आपके पॉलिटी हो जाते हैं, 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें 3 बनाना होता है, इसमें सब में 4-4 क्वेश्चन आपको रहते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमी, यहां से भी 4 क्वेश्चन होंगे, आपको 3 बनाना होगा। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 बनाना होगा, 8 क्वेश्चन आपका यहां से भी। तो अब आपके लिए पुनः 3 घंटे का जो समय है, सेम यहां भी वही करना है आपको 30 तारीख को 10 से 1 के बीच। 1 बजे के बाद आपको समय मिल जाएगा, और अगले दिन 2 से 5 है, तो इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, क्योंकि सभी बच्चे का ऑप्शनल पेपर का एग्जामिनेशन 31 तारीख को ही है, और ऑप्शनल सबसे मेन टफ है, क्योंकि बड़ा सिलेबस है, किसी भी विषय में एक ही दिन एक पेपर में ही आपको पूरे निकल जाए, और इसीलिए आप आराम से 1 बजे के बाद घर आइए, प्रीवियस क्या हुआ उन चिंता को छोड़ दीजिए, पीछे में लगे मत रहिएगा कि इसका क्या हो, बस आगे बढ़ते जाइए, और इसमें आराम से 2 से 5 में ऑप्शनल पेपर आप खूब बढ़िया से 31 को देंगे, ये 29, 30, 31 आपके एग्जामिनेशन हो। इसमें जो मूलभूत बातों पर ध्यान देना है, उन चीजों पर आप सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि जो आपको आंसर शीट मिलेगा वो 36 पेज का मिलेगा, जैसे ही आपको कॉपी मिलते हैं 36 पृष्ठ संख्या लिखा हुआ उसमें देख ले, कहीं कोई कॉपी डैमेज ना है देख ले, पिन बढ़िया से उसमें किया हुआ है इसको देख ले, अगर कहीं गड़बड़ है तो आप अपनी कॉपी को अवश्य बदल। दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जहां जहां रोल नंबर वगैरह लिखना है वही आप अपना फ्रंट पेज पे सब चीज लिख दीजिए। इसके बाद आपको शब्द में भी लिखना होता है, तो ए हिंदी में अगर है तो 1 ऐसे करके शब्द में भी आप अपने रोल नंबर को आपको लिखना होता है उसको लिख देंगे। कतः साफ उत्तर पुस्तिका में किसी भी पृष्ठ पर कोई धार्मिक शब्द प्रतीक चिन्ह पहचान चिन्ह नहीं लिखना, कोई बच्चे ओम बिस्मिल्लाह 786 इन चीजों का जो प्रयोग करते हैं उन चीजों का कोई भी प्रयोग आप एकदम कॉपी पे ना करें। कोई बच्चे ओम लिख रहे हैं, कोई बच्चे क्रॉस लिख रहे हैं, कोई बच्चे जो है जय मां शारदे लिख रहे हैं, इन चीजों पर कॉपी पे कहीं लिखते हैं आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। व्हाइटनर का प्रयोग कहीं कॉपी पे नहीं करना है, इसलिए व्हाइटनर लेके एकदम बच जाइए। अगला नंबर है कि आप दोनों तरफ पृष्ठ का लिखें और अंतिम में जितना भी सादा पेज बच गया है उसको क्रॉस कर दें। आपके पास 36 पेज है, सपोज आप 30 पेज लिखे हैं, बाकी 6 पृष्ठ आपका बच रहा है तो उसको क्रॉस करते चले जाइए, सभी अंतिम बचे हुए को क्रॉस कर दीजिए। अगला नंबर आपका 7 जो है, इसमें पॉइंट्स जिसको देख लीजिए, 7 पॉइंट्स में आपको लिखा हुआ है कि इसमें सामने क्रम संख्या और पृष्ठ संख्या जरूर लिखे। देखिए अंतिम में जब आप सब लिख लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर बनाए हैं तो उत्तर पृष्ठ संख्या ही आपको खुद लिखना है, कितना नंबर पेज से कितना नंबर पेज तक आपने आंसर दिया है वो पेज पृष्ठ संख्या इसमें अवश्य देते चले जाए, ये आपको खुद लिखना है। तो क्वेश्चन को जो आप लिखे उस क्वेश्चन नंबर को किस पेज से किस पेज में लिखे हैं ये आपको खुद से लिख देना है, तो इस बात पर भी आप ध्यान देंगे। इसके बाद आपको सीधा सीधा आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, उपस्थिति पत्र पर प्रत्येक परीक्षक वही हस्ताक्षर करें जैसा हस्ताक्षर आप शुरू में किए हैं, डेली नया हस्ताक्षर का रिसर्च नहीं करें, जो हस्ताक्षर एक बार कर चुके हैं सेम हस्ताक्षर आप लगातार डेली वही करेंगे। देखिए यहां साफ लिखा हुआ है कि एक ही स्याही का प्रयोग करें, ऐसा संभव है कि बच्चे लिखते समय उनके इंक लीड खत्म हो जाए और परीक्षा हॉल में कलम बदलने की आवश्यकता पड़े, ऐसा हो सकता है, तो साफ लिखा है कि यदि स्याही बदलना ही पड़े तो इस समय जो इन्विजिलेटर है उससे आप निर्धारित जगह पे अभी प्रमाणित साइन करवा लें कि इंक मेरे सामने बदला गया है।
तो आप अगर कलम बदल रहे हैं तो जरूर वहां पे खड़ा होके कि इस फ्रिज में, और हम सब पेन बदल रहे हैं, और वहां पे जरूर आप उनसे लिखवा लें कि मेरे सामने पर कलम बदला जा रहा है, और इन्विजिलेटर साइन कर दे, कोई बात नहीं, तब बदल सकते हैं, ऐसे नहीं बदलना है। अगला नंबर देखिए, अगर आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन गलत हो गया तो आप उसमें क्रॉस करके आप रद्द लिख सकते हैं, मतलब बेरहमी से नहीं काटना है। अगर कोई बच्चे मान ले सपोज पांचवा प्रश्न बना रहे हैं और वो मौर्य कला है, और आप मौर्य कला के बारे में सब चीज लिख रहे हैं, और फिर आपको लगे कि नहीं इतना बढ़िया हम नहीं लिख पाए, और बढ़िया हम लिखते इसको, तो कोई बात नहीं, आप इसको कटकुट करके यहाँ पे रद्द लिख दे, और फिर से आप अगले पृष्ठ से आराम से पांचवा क्वेश्चन जैसे आप चाहते फिर से लिख सकते, बेरहमी से नहीं काटना है, बस एक क्रॉस और रद्द लिख दे, काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट सभी चीज, बाकी तो वही सब बात है कि चोरी नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए, वो सभी बात वहां सीधा सीधा आपको लिखा हो। ये सामान्य निर्देश आप सभी लोग को सबसे पहले समझना था। अब यहां से एक बात हम स्पष्ट कर दें आपको, देखिए आंसर लिखते समय किन बातों की आवश्यकता होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो समझे। आपकी जो कॉपी होगी सादी कॉपी होगी, लाइनिंग कॉपी नहीं होती है। अब इसमें दोनों साइड में चौथाई छोड़ा रहता है, इधर कुछ भी नहीं लिखना है आपको। प्रश्न संख्या भी चौथाई में नहीं लिखे तो बढ़िया है। आपको मान ले यहां पर तक ऐसे बीपीएससी लिखा हुआ है, हम खंड क का पांचवा लिखना चाह रहे, आप एकदम फैल से आराम से खंड क, हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान देना है कि वो बीच में कोई इंग्लिश वर्ड का प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा। आपने अगर स्क्रिप्ट में लिपि में देवनागरी लिखा है कंप्लीट हिंदी माध्यम में लिखें, आपने रोमन लिखा है तो कंप्लीट इंग्लिश माध्यम लिखें, फिर बीच में हिंदी नहीं आएगी। और इसमें खंड क में अगर हम पांचवा क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं, आप खंड क में ऊपर नीचे सिक्वेंस कर सकते हैं, लेकिन इसमें कभी भी खंड क में ख को इन मत करवाइए। ख कभी आएगा जब क कंप्लीट हो जाए, मतलब अगर तीन क्वेश्चन हमें लिखना है तो तीन क्वेश्चन लिख लिए तब खंड ख की बात हो। अब इसमें हमें लगता है कि हम चौथा प्रश्न पहले बनाएंगे तो चौथा नंबर, और इसमें जिसके बारे में है, अब आराम से दो तीन बात पर ध्यान रखनी। पहला, अधिक से अधिक चित्र और डायग्राम का प्रयोग करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा चित्र और डायग्राम का प्रयोग करें। अगर आपको कोई भी संभावना लगती है कि हम इसमें ऐसा चित्र बना सकते हैं तो अवश्य बनाएं। जैसे आप मान लो सपोज मौर्य कला पे ही लिख रहे हो और आपको लगे कि मौर्य कला में कुछ भी, हम गुफा लिख रहे हैं, तो आप आराम से गुफा के बारे में ही लिख रहे हैं, तो गुफा के बारे में यहां से सब लिखिए, और इस साइड में आराम से आप गुफा एक बना दीजिए, यहां पे गुफा का प्रवेश द्वार हो जाएगा, और यहां पे कुछ कुछ बातें आप अपना यहां लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए कि यह गुफा है, ये गुफा बराबर की गुफा है, या नागार्जुन गुफा है, आप गुफा का एक चित्र भी दे दिए, उसके बारे में लिख। आप अगर स्तूप के बारे में लिख रहे हैं या किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं, हमेशा परीक्षा में ध्यान दे, आपकी कॉपी खास होनी चाहिए, जैसा क्लास में पढ़े हैं उससे भी खास, वो जीवन का 3 घंटा अनमोल है, आप किसी ऊंचाई तक जा सकते हैं एक बार स्थिर से, जो बच्चे उस समय का पूर्ण उपयोग कर लेगा वो बच्चे आम से बिल्कुल खास हो जाएगा। अब स्तूप की ही बात हो रही है तो आप एकदम हल्का सा भी फिगर सोचे तो लगे कि ऐसे अंड बनाएंगे, हर्मिका बनाएंगे, एस्ती बनाएंगे, और हम लोग यहाँ पे इसको वेदिका बनाएंगे, और यहाँ तोरण द्वार बनाएंगे, तो तोरण द्वार इसका प्रवेश द्वार हो गया। अब तोरण द्वार बना के सबका अगर नामकरण संभव है तो वो भी कर दें, और उसके बारे में सब चीज लिख दें। ज्यादा से ज्यादा अगर आप भूगोल बना रहे हैं अवश्य वहां पे कोशिश करें कि एक इंडिया का मानचित्र जरूर बना दें, थोड़ा अभ्यास करें कि आप बढ़िया बना सके, उस पर एक प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं हो तो नक्शा गढ़ा के ही अभ्यास अभी कर ले कि वहां पे आप लगभग लगभग बना सके। नहीं भी आप बहुत बढ़िया नक्शा बनाते हैं तब भी मत डरिए, नक्शा जरूर प्लॉट कीजिए, उसको अवश्य बनाइए।
तो मानचित्र का समावेश होना, किसी तरह के चित्र का समावेश होना, ये अति आवश्यक। यदि टाइम ड्यूरेशन कम हो, हमेशा प्रयास करें कि जितने प्रश्न हमें बनाना है उतना प्रश्न अवश्य ही अवश्य टच करें। किसी एक प्रश्न में ज्यादा समय देना और अगले प्रश्न को छोड़ देना, उससे ज्यादा मूर्खता कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए सभी प्रश्न को टच करना ये अति आवश्यक। इसमें चुके मान लो हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन में 3 बनाना है, तो पहले प्रश्नों को बढ़िया से पढ़िए और खुद से देखिए कि किस 3 प्रश्न पर हम ज्यादा बढ़िया लिख सकते हैं। ये अपना चयन पहले खुद से करिए और उस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए कि हम इस पर ज्यादा बढ़िया लिखेंगे, उस पर हम लोग लिखेंगे। जिस समय स्टैटिस्टिक्स बना रहे, आप कोशिश करें कि मान लें एक क्वेश्चन का आंसर 2 पेज से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो उसको आधा पेज पार ही कर दें और बस इसको काम खत्म, फिर नेक्स्ट पेज से आप चले। चूंकि आगे पेज नंबर लिखना होता है, तो आप आराम से कोशिश रखिए कि एक क्वेश्चन के आंसर के लिए फिर वो पेज दोबारा अंकित ना करना पड़े कि बीच से हम अगला क्वेश्चन शुरू करें। 2.5 पेज 3 पेज के बीच एक जीएस में आंसर कंप्लीट करते निकलते चल जाइए, मां सब चित्र वगैरह बनाते हो। अगर समय कम है और आपको लगता है कि आप इसमें कम से कम 8-10 पॉइंट सोच पाए हैं, पॉइंट वाइज आंसर दीजिए वो और अच्छा। आप पॉइंट वाइज आंसर देते हैं और बढ़िया है। अगर पॉइंट वाइज लिखने का लगता है समय ज्यादा है, तो फिर पैराग्राफ चेंज करके भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको कहीं भी लगता है कि यह लाइन जो हमने लिखा है ये कुछ खास है, चाहे वो भूमिका हो, निष्कर्ष हो या बीच में, ये बाकी बच्चे नहीं लिखे होंगे, हमने एक पॉइंट दिया है, ये जबरदस्त पॉइंट है, तो उस पॉइंट को उसी कलम से जरूर अंडरलाइन कर, ताकि परीक्षक को तेजी से पढ़ते समय भी, जांचते समय भी, उसका वहां ध्यान चला जाए कि आखिर किस बात को इसने अंडरलाइन किया। और उस अंडरलाइन वाले पंक्ति को आप पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है। अगर कोई विशेष लाइन है तो प्रश्न में 2-3 जगह आप एक ही क्वेश्चन के आंसर में अंडरलाइन कर सकते। अगला नंबर आपको ध्यान रखना है, हमने बताया कि 8 क्वेश्चन बनाना है तो 8 बनाना है, 7 नहीं करना है। अगर आपको कहीं लगता है कि गलत हो रहा है, जैसे जीएस पेपर 1 में, आप कैलकुलेटर अवश्य लेके जाएं। जीएस पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउ है। इस कैलकुलेटर में अगर गुना भाग है तो आराम से आप गुना भाग लास्ट में भी एक बार कैलकुलेशन जरूर देख, कैलकुलेटर से आप अपना वहां पे मिला सकते हैं कहां क्या है। अपने हाथ में कैलकुलेटर, स्केल, एक पेंसिल, एक 2 पेन, इतना एडमिट कार्ड के साथ अपना सीधा सीधा ले जा सकते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह तो हो सकता है रुक जाए, लेकिन इतना आप सीधा खुला में रखें, सीधा लेते जाएं और आराम से वहां पे पूरा फ्रेश माइंड में बैठे, कहीं कोई तनाव लेके ना बैठे, मन को पहले से मनाए रखें कि ताजा क्वेश्चन आए, हमें कुछ अच्छा लिखना है, हमें कोई नर्वस नहीं होना है, मिजाज एकदम बुलंद रखना है और एक बार लिखेंगे जबरदस्त लिखाएगा, एकदम चल दिया कलम तो चल दिया हाथ, झाड़ते झाड़ते परेशान कि वाह जबरदस्त लिखाया। ऑप्शनल पेपर में ऐसा संभव हो है कि आपके पास टाइम ऑफ ड्यूरेशन कम होता है, क्योंकि ऑप्शनल में एक ही क्वेश्चन का 4-5 पेज आंसर लिखना पड़ता है और वहां पे आपको जो प्रश्न बनाना होता है उसमें टाइम की थोड़ी किल्लत ऑप्शनल में हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि ऑप्शनल में आप सभी क्वेश्चन को ना बना पाए और टाइम की समस्याएं आपके पास हो जाए। बैलेंस बना के रखिएगा कि हम एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा लिखने से अच्छा है 2 क्वेश्चन हम थोड़ा कम कम ही सही, लेकिन दोनों लिखें, सभी प्रश्न बनाए, इस रणनीति को हमेशा पालन कीजिए। तो आपकी रणनीति में 5 रणनीति एकदम ध्यान रखना है। पहली रणनीति आपकी होनी चाहिए बिल्कुल परीक्षा में एकदम कॉन्फिडेंस अपना पूरा बरकरार करके बैठ। जो बच्चे कॉन्फिडेंस लूज करेंगे उनका अच्छा आंसर नहीं लिखाएगा, एकदम जो हुआ सो हुआ, मिजाज टाइट कर लीजिए। दूसरी बात, प्रश्नों का चयन पहले स्थिरता से करेंगे, तुरंत लिखने में नहीं लगे, प्रश्नों का चयन ही मेन तय करेगा कि हम किस क्वेश्चन को लें जिसमें ज्यादा पॉइंट्स हो सकता है, ज्यादा इस पे लिख सकते हैं और इसमें हम कुछ डायग्राम सोच सकते हैं।
वैसे प्रश्न को लिखना आपके लिए ज्यादा बेहतर हो। मतलब आपको मान लें क्वेश्चन में मौर्य कला भी आ गया और मुंडा विद्रोह भी, और आपको इन दोनों में किसी एक को चुनना है, आप दोनों ही लिख सकते, तो मौर्य कला ज्यादा अच्छा अंक आपको देगा मुंडा विद्रोह की तुलना में, क्योंकि उधर फिगर कंसेप्ट उधर थोड़ा कम, उधर फैक्चुअल थोड़ा ज्यादा है, तो इसीलिए इधर का प्रयास आप ज्यादा करें। तीसरा नंबर, आपको हमने बताया कि एकदम जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्न को खंड वाइज सिस्टम करके एकदम लगातार लिखें। यदि किसी एक खंड का में हमें दो ही क्वेश्चन बढ़िया से आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, तो हम वहां पे दो पेज जगह छोड़ देंगे और तब खंड ख शुरू करें। लास्ट में नहीं भी प्रश्न आ रहा है तब भी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ के मत आना, उस पर जो हल्का फुल्का प्रकाश डाल सकते हो कुछ प्रकाश डालना, जीरो से बढ़िया एक नंबर दो नंबर जो आ जाए, जीरो से बढ़िया है कुछ अंक ला, छोड़ दोगे तब तो जीरो हो ही गए। कुछ भी प्रश्न का हल्का भी आइडिया लग रहा है तो उस पर कुछ भी प्रकाश डालोगे तो या तो जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा, तो ज्यादा होने की संभावना तो है, छोड़ना नहीं, तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तीसरी बात, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीसीएस एग्जाम। मुख्य परीक्षा में समय का ड्यूरेशन घड़ी हो सकता है नहीं ले जाने दे, लेकिन वहां एक घंटे पर आपकी घंटी लगे, तो आपको अपने से सोचना होगा कि 3 घंटे का एग्जाम है तो 3 × 60 मिनट है, 8 क्वेश्चन हमें बनाना होगा, तो 4 से 2 बार में काट दिए, 15 से काट दिए, मतलब एक क्वेश्चन पे मेरे पास 22.5 मिनट का समय है, मान के चलो 20 मिनट का समय आपके पास है, तो जैसे ही 1 घंटे का घंटी लगता है तो 3 क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। जैसे ही लगे कि हाँ तीसरा पेज चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, सही चल रहे हो क्योंकि 8 ही बनाना है, अगला फिर 2 घंटे का लगा तो 6ठा पेज चल रहे हैं, और लास्ट जो 3रे घंटे होंगे उसमें लगभग 2 क्वेश्चन ही बनाना है, लेकिन अगर आप GS1 देने जा रहे हो तो इसमें 1 क्वेश्चन पे 1/2 घंटे समय देना उचित है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में आपका जो देख रहे हो ये पूरे का पूरे नंबर 72 का 72 आपको यहाँ पे आ सकता है, इसमें टाइम देके बनाना है। 1 घंटे पे लगभग आप 25 मिनट का समय यहाँ पे दीजिए, 2 क्वेश्चन मतलब 50 मिनट समय, दूसरी घंटी लगे तो सोचो 6ठा क्वेश्चन लगभग लगभग चल रहा, सेम चीज GS पेपर 2 में, तो आप घंटे के साथ इसको तालमेल अवश्य कर लोगे, ये सबसे इसेंशियल चीज। और लास्ट है, जो भी हमने अच्छा पंक्ति लिखा है, जो लगे कि बाकी लोगों से अलग है, हमने कुछ खास लिखा है, चाहे वो भूमिका हो, चाहे निष्कर्ष हो, चाहे बीच का ढांचा हो, उसको उसी कलम से अंडरलाइन जरूर कर दे। बहुत अक्षर वगैरह बैठाने की कोशिश नहीं है, अक्षर बहुत ज्यादा बैठेगा भी नहीं, बहुत अक्षर बैठाओगे प्रश्न छूटेगा, तुम जैसा हो नेचुरल लिखो, वो सब पढ़ लेते हैं जांचने वाले और आपकी मजबूरी समझते हैं कि 3 घंटे के बीच में कोई भी लिखेगा तो सबका वैसा ही, कुछ विरले लड़के स्टूडेंट ही होते हैं जिनका उतने स्पीड में भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती, बाकी हैंडराइटिंग सबका चिंता छोड़ दीजिए और एकदम मस्ती में इस नियमों का पालन करते हुए लिखिए, आपका जबरदस्त अंक आए। और बाकी आप सभी लोग के लिए हमारे तरफ से विद्या एजुकेशन के तरफ से गुड लक, सभी जो परीक्षा देने जा रहे हैं सबको बेस्ट ऑफ लक, पूरे बढ़िया आप एग्जाम दें, खूब बढ़िया करें, हमारी पूरी शुभकामना है, पूरा आशीर्वाद है। आप सभी लोगों ने काफी मेहनत के साथ हमारे इस टीम से GS पेपर तैयार किए, सभी टीचर के द्वारा आपको पूरा आशीर्वाद विद्या एजुकेशन की ओर से आपको मिल रहा है। त्रिवेदी सर से आपने करंट अफेयर पढ़ा, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल था मॉडर्न हिस्ट्री एसके पांडे सर लिए, बाकी वर्ल्ड वगैरह सब हम लिए थे, दीपक सर भी पॉलिटी लिए, करण सर भी पॉलिटी लिए थे, साइंस टेक कुछ सेक्शन हम भी लिए थे, और साइंस टेक दिल्ली से आपके उपेंद्र अनमोल सर भी लिए, और इसके बाद अजमेरी सर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी लिए। सभी सर का संदेश है, सबका आशीर्वाद है, सबका पूरा शुभकामना है कि आप सभी बच्चों के लिए पूरा एग्जामिनेशन के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। और परीक्षा दे करके हम लोग फिर मिलेंगे, कैसा आपका एग्जाम गया, तो चलिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर।